सो हे गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। राम राम सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। तो आज मैं जा रहा हूँ हमारे मोटोग्राफी वाले रजत भैया के पास, जो हमारे लाइट्स के स्पेशलिस्ट हैं। एक्चुअली मेरी गाड़ी की लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, और मेरी गाड़ी का क्या हो रहा था, लो बीम तो अच्छे से चल रहा था, बट जब मैं हाई बीम कर रहा था तो मेरी लाइट नहीं चल रही थी। तो वही उनके पास जाके चेक करवाऊंगा और फिक्स करवाऊंगा, और अपनी गाड़ी की लाइट्स के रिलेटेड कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग भी उनसे बात करूँगा। होपफुली अगर आज पॉसिबल हो जाता तो वो सरप्राइज़ भी मे बी आपको आज ही देखने को मिल जाए, एंड अगर नहीं होता तो जब तक उनसे बात कर लेंगे कि हाँ कब तक वो सरप्राइज़ पॉसिबल हो सकता है मेरी गाड़ी पे, और एज सुन एज पॉसिबल अपनी गाड़ी पे वो चीज़ इंस्टॉल करवाएंगे, वो आपको करके दिखाएंगे कि हाँ कैसे हुआ क्या नहीं। तो चलते हैं फिलहाल उनके पास। उनका आज मोटोग्राफी स्टोर तो बंद है, बट मुझे उनके घर पे जाना पड़ेगा। ऐसे वो घर पे किसी का काम करते नहीं है, बट वो देखो मेरे को उन्हीं का कॉल आ गया। मैं अभी उन्हीं की कॉल आई थी और उन्हीं से मैंने बात करी। एक्चुअली मैं अकेला ही जा रहा हूँ आज, मामू को भी थोड़ा काम था और महेश भाई भी हमारे फ्री नहीं थे, चाहत भैया भी आउट ऑफ स्टेशन है आज, तो आज कोई अवेलेबल नहीं था, तभी मैं अकेला ही आ गया। और आप लोग टाइम देख सकते हो कि कितना हो चुका है, ये देखो 2:17 हो गया मेरे को। अभी मैं ऑन द वे हूँ, मतलब निकला हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले। मुझे भी कुछ अपने दुष्यंत भाई का काम था थोड़ा, उस वजह से मेरा डिले हो गया। तो चलते हैं, मिलते हैं फटाफट उनसे, उनके पास पहुँचते हैं और बताता हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, कौन सी साइड नहीं, और देखते हैं आज का सीन क्या रहने वाला है। उसके बाद अगर टाइम लगेगा तो कहीं निकलेंगे, नहीं तो आज पूरा दिन इस चैनल पे पहली बार मेरी बलैनों का कोई काम होता हुआ दिखने वाला है। लोगों के अकॉर्डिंग तो मेरी ये गाड़ी कंप्लीट है, बट मेरे अकॉर्डिंग इट्स जस्ट स्टार्टेड। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, ए प्रोजेक्ट कार इज नेवर कंप्लीटेड। वही सोचते हैं हम भी, हमें भी वही लगता है कि प्रोजेक्ट कार, क्योंकि ऐसा होता है जो आपकी प्रोजेक्ट गाड़ी होती है ना, आप उस पर जो मर्जी करवाओ, जितना मर्जी पैसा लगाओ, जो मर्जी मॉडिफिकेशन करवा लो, कुछ ना कुछ आपको आता ही रहेगा नया, कि नहीं ये चीज़ इसके लिए नहीं है, ये चीज़ करवाते हैं, या आपको किसी ना किसी चीज़ में प्रॉब्लम लगने ही लगेगी कि नहीं अभी ये चीज़ में प्रॉब्लम आ गई या ये चीज़ पुरानी हो गई, चलो इसको अपग्रेड करते हैं। उस चक्कर में आप अपनी प्रोजेक्ट कार पर इतना खर्च देते हो आपको पता ही नहीं चलता। तो चलो आज दिखाते हैं आज अपनी गाड़ी पे क्या होने वाला, और उसी दौरान मैं अपनी गाड़ी की कुछ जो अभी फ़िलहाल इस गाड़ी पे जो मॉडिफिकेशन हो रखी है वो भी बताऊंगा कि मैंने इस पे क्या क्या करा रखा है या मैं क्या क्या इस पे यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो चलते हैं फटाफट, मिलते हैं आपको रास्ते पे, फटाफट से पेट्रोल भरवाते हैं और रजत भैया के घर के रास्ते मिलते हैं। एक्चुअली उनका घर भी काफ़ी दूर है और ट्रैफिक भी मुझे पता है मुझे वहाँ पर बहुत मिलने वाला है। तो चलते हैं गाइज, मिलते हैं आपको आगे। गाइज पता है जिस किसी ने भी कहा था ना, जब आप लेट होते हो एक जगह से, आप लेट हो रहे होते हो तो आपको हर जगह से लेट किया जाता है, तो वही एग्जैक्ट हो रहा है मेरे साथ। मैं ऑलरेडी लेट था और आप देख सकते हो ये फिलिंग स्टेशन पे भी कब से लाइन लगी हुई है, मैं इस लाइन में फंसा हूँ। कोई लगभग मेरे को भी 10-15 हो गए यहाँ पे खड़े हुए और अभी तक मेरा नंबर नहीं आ रहा। पता नहीं कितना फ्यूल भरवा रहे हैं ये आगे वाले, जो हमारा नंबर ही नहीं आने दे रहे। चलो कोई नहीं, फिर भी वेट करते हैं फॉर माई टर्न, क्योंकि हमारे जम्मू का एक ट्रस्टेड पेट्रोल पम्प मेरे को यही लगता है, जिससे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करके जहाँ से मैं पेट्रोल भरवा सकूँ, या जो हमारे विक्रम चौक वाला पेट्रोल पम्प है कैप्टन मोहन सिंह जी का, मैं यहीं से मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाता हूँ। तो भरवाते हैं फ्यूल थोड़ा सा और निकलते हैं आगे की तरफ, उनके घर की तरफ, और मिलते हैं आपको। आज हम एक नए रूट पर जा रहे हैं इस चैनल पर, वो रूट फर्स्ट टाइम होगा मे बी, जिनको पता हो उन्होंने तो, उनको तो पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, जिनको उनका घर पता है, और जिनको नहीं पता है वो स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं आपको आगे रजत भैया के घर के रास्ते पे। सबसे बड़ी दिक्कत हमें पता है क्या, आज जो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हमने जाना है या जो एरियाज हमने क्रॉस करने हैं, वो जम्मू के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले, या आसान यहाँ सीधे कह सकते हैं कि वो जम्मू के सबसे ज़्यादा बिजी रोड्स हैं, जहाँ से हमने, जिन एरिया से हमने निकलना है। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचना भी हमारे लिए पहले तो एक बहुत बड़ा टास्क है। वो टास्क कैसे है, क्योंकि आप अभी जस्ट हमने वो रूट स्टार्ट ही करा है, तो आप ये देख लो, यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि कितना ट्रैफिक होगा आगे। यहाँ पर ही इतना वो है कंजेशन, यहाँ पर ही इतनी कंजेशन है, आगे सोच लो कितना होगा। वो आगे तक जितनी आगे देखोगे आपको सिर्फ गाड़ियों और गाड़ियों की पिछली जलती हुई लाल बत्तियाँ ही दिखेंगी, और कुछ नहीं दिखने वाला है आपको।
आज के इस पूरे रास्ते पे। होपफुली एक नया है फ्लाईओवर जहाँ से हम मे बी वहाँ से हम जाएँ, क्योंकि ट्रैफिक को जैसे कैसे टैकल तो करना ही है, बट वहाँ तक पहुँचना भी एक टास्क से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जैसे तैसे पहुँचना ही है। तो पहुँचते हैं वहाँ तक, देखते हैं। ये देखो कैसे गाड़ी एकदम चिपका चिपका के निकालनी पड़ रही है, और आगे दूर तक जहाँ तक देखोगे आपको लाइन ही दिखेगी। सो गाइज, फाइनली काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद ये हम नीचे वाले रोड को छोड़ के ऊपर नए फ्लाईओवर पे आ चुके हैं। और ये फ्लाईओवर से मैं एक बार पहले भी निकल चुका हूँ, तब मैं व्लॉग नहीं करता था। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के बनने की वजह से यहाँ से जो नीचे ट्रैफिक होता था ना, उसको क्रॉस करने में बड़ी आसानी आ गई है। और जहाँ पे आपको विद ट्रैफिक आधा घंटा लगता था ना, अगर फ्लाईओवर आपको दिख रहा है खाली, तो यही मात्रा आपका 5 से 7 मिनट में हो, यही रास्ता आपका 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो 5 से 7 क्या, आप अगर काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ चलोगे तो 2 मिनट में भी हो जाएगा, बट हम इतनी तेज़ नहीं चल रहे, आप ये देख सकते हो। ये देखो जो मैंने बोला तेज़ काफ़ी चल सकते हो, ये देखो ये चल रहे हैं, ये होता है काफ़ी तेज़ चलना। देख लो मेरी स्पीड क्या, और वो ऑल्टो वाले भाई साहब कैसे जा रहे हैं आगे। अभी थोड़ी देर में दिखना भी बंद हो जाएंगे, तो आप उनकी स्पीड कैसी अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं अपना आराम से 80 पे क्रूज़ करते हुए चल रहा हूँ। तो अभी फ्लाईओवर छोड़ के हमने किसी और रास्ते पे होना, जैसे फ्लाईओवर से उतरेंगे। बट इस फ्लाईओवर के बनने से काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी इस रास्ते पे, क्योंकि नहीं तो ये जो नीचे वाला रूट है ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट है ये, और काफ़ी कंजेस्टेड रोड है नीचे, उस वजह से नीचे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो तभी हम यहाँ से फ्लाईओवर से निकल रहे हैं कि हमें ट्रैफिक ना मिले। और मेरे अकॉर्डिंगली ये रास्ता शॉर्ट है जहाँ पे मैंने भैया के पास जाना है, तभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो चलो गाइज, मिलते हैं आपको आगे। सो गाइज, फाइनली लगभग आधा रास्ता तो हम पार कर चुके हैं, बाकी बचा कुचा रास्ता रह गया। बट ट्रैफिक हमें कहीं कहीं पे मिला भी है, कहीं कहीं नहीं मिला, बट ओवरऑल जितना हमें ट्रैफिक मिला इस रोड के अकॉर्डिंग, वो ट्रैफिक कुछ नहीं था। वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, बंदा आके भूल जाए। अभी भी आप देख सकते हो कि है थोड़ा बहुत, बट उतना नहीं है जितना होता है, या जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मुझे इतना ट्रैफिक मिलेगा। अभी ये हम पहुँच चुके हैं बन तालाब, यहाँ से फटाफट लेफ्ट लेते हैं और पहुँचते हैं भैया के पास, क्योंकि भैया की भी मेरे को कॉल्स आ गई, बोलते कहाँ पर रह गया, अभी तक पहुंचा नहीं। तो मैंने उनको बोला भैया आप देख ही सकते हो, आपको पता है आप कहाँ पे रहते हो और रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है। और फिर वो चुप हो गए, बोलते चल कोई ना, आ जा आराम से। और बस पहुंचने वाला हूँ थोड़ी देर में भैया, थोड़ी ही कह सकता हूँ, क्योंकि अभी ये वाला एरिया ना, बस ये लास्ट एरिया है जहाँ पर हमें ट्रैफिक मिलने की संभावना है, या जहाँ पर हमें मिल सकता है। और आगे एक टूटा हुआ ब्रिज आएगा वहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ हम जा रहे हैं कहाँ पे। हम जा रहे हैं अपने मोटोग्राफी वाले रजत भैया जी के घर पे। ऐसे तो घर पे किसी को आना अलाउड नहीं है, बट हम भाई हैं छोटे, तो हम ऐसे भी जाते रहते हैं। तो आज मुझे इसका कुछ ज़रूरी काम है, इसकी लाइटों का, जो मैंने आपको बताया कि माल फंक्शन हो रहा है। हाई बीम यहाँ पर शो कर रही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, बट आगे लाइट नहीं जल रही है। मुझे वो उनको चेक करवाना है कि वैसा क्यों हो रहा है। और अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बन तालाब, हमने लगभग कर लिया क्रॉस। से पैदा हुआ या जब से कह लो होश संभाली है, तब से ये जगह मैंने टूटी हुई ही देखी है। यहाँ पे कभी मैंने ब्लैक टॉप हुआ नहीं देखा इस जगह पे, बट अब लग रहा है फाइनली इस जगह में थोड़ी सी डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा सा छोटा सा ब्रिज टाइप बना दिया, तो उस वजह से यहाँ पर भी बन गया और इसके साथ भी बन रहा है। तो यही लास्ट एरिया जहाँ पे हमें ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, तो इसके बाद नहीं लग रहा मुझे कहीं पे मिलेगा। रजत भैया हमारे रहते हैं माइट कॉलेज के पास, अभी फटाफट ये जगह क्रॉस करते हैं और उनको मिलते हैं। देखो क्या रास्ता है, ये देखो
ये देखो गाड़ी कैसे झूल रही है, ये देखो। कैमरे में इतना जस्टिस नहीं होता, बट मैं एक्चुअल में फील ले रहा हूँ कि कितना गाड़ी झूल रही है। आप मेरी सामने वाली मेटाडोर देख सकते हो, वो कितना झूल रही है, या मेरी गाड़ी को भी आप देख सकते हो, कैमरा हिल तो वो देख के कि मैं ये गाड़ी कितनी ज़्यादा हिल रही होगी जिस वजह से मैं इतना यहाँ पे रहूँ। एक और कॉल आई, चलो भाई से बात करता हूँ और फिर आगे मिलते हैं। वही भाई से बात, अपने अनिरुद्ध भाई का कॉल आया हुआ था, आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा। भाई हमारे साथ जो पढ़ते हैं BA में, उनको स्पेक्स लगी हुई है। तो पहले एक्चुअली मैंने उनको कॉल करी थी, तो तब वो फ़ोन नहीं उठा पाए, तब वो थोड़ा बिज़ी होंगे शायद। तो अब उन्होंने कॉल करी थी, तो वही मुझे बात करनी थी उनसे कुछ, तो वो ये बात कर रहे थे। तो अब मैं लगभग पहुंच चुका हूँ रजत भैया के घर के पास। यहाँ पे एक टर्न आना था लेफ्ट के लिए, हर बार मुझे यहाँ पे पहुँच के वो टर्न भूल जाता है। और गाइस बुरा हाल होता है मेरा हर बार वहाँ से गाड़ी निकालने में। हाँ ये है वैष्णव कॉलोनी, यहाँ से नीचे मुड़ जाएंगे घर के लिए। और ये आप एक बार रास्ता देखो कैसा है, आगे तो इतने तगड़े तगड़े बम्प्स हैं ना कि मुझे हर बार वहाँ पे डर लगता है कि मेरी गाड़ी की चेसी ना बैठे। बट अब काफ़ी दफ़ा निकल चुका हूँ, तो थोड़ा टैकल करना आ गया कि कैसे निकलना है। और यहाँ पे अपने दुष्यंत भाई पहले से आ चुके हैं। ओहो नाइस, रोड पहले से थोड़ा ठीक हो गया। चलो निकलते हैं आराम आराम से। और भैया देखो ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं, आग वगैरह जला के माहौल सेट करके। और वो दुष्यंत भाई, ये दोनों देखो आगे बाहर बैठे हुए हैं। और इनके साथ हैं अपने प्यारा सिंह जी, प्यारा भाई। तो चलो मिलते हैं भाइयों से जाके, उसके बाद जाके व्लॉग करते हैं या डिसाइड करते हैं क्या करना है। चलो मिलते हैं इनसे जाके, पहले देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। बारिश आ गई थी उस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बताया नहीं क्या सीन हुआ। अभी सिर्फ अपना डिपर ऑन हुआ और हाई बीम ऑन हुई है, लो बीम जो है वो भी नहीं चल रही। तो मैं आपको कुछ झलक दे देता हूँ रजत भैया की गाड़ी की, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आपको कल भी बताई थी व्लॉग में, तो ये गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे लेवल की मॉडिफाई हो रखी है मेरी। तो अगर मैं अपनी वाली से इसको कंपेयर करूँ ना कि हाँ मेरी वाली मॉडिफाइड और ये भी मॉडिफाइड, भाई मेरी वाली फिर इसके आगे कुछ मॉडिफाइड नहीं है। मैं आपको साफ बात बता देता हूँ, इसको ना मैं खुलेआम बोल सकता हूँ अपने चैनल पे, बेशक मेरा चैनल छोटा होगा, बट इस वैगनार के लिए मैं बोल सकता हूँ ये 1 इंच के है। इसको जल्द ही जल्द कुछ ऐसा भैया ज़रूर कर देंगे जिससे मैं इसको 1 इंच क्लेम कर पाऊँ। एक टाइम पे ये गाड़ी थी 1 इंच, बट अब कुछ चीज़ों की वजह से ये रह गया, बट स्टिल इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से अभी भी 1 इंच है। मैं आपको एक छोटी सी झलक दे देता हूँ, अगर आपको इस गाड़ी पर एक डिटेल रिव्यू चाहिए होगा तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट डाउन करके बताएं कॉमेंट सेक्शन में नीचे। और उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। आप ये देख लो, छोटी सी झलक आपको दे देता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या कैसा कैसा हो रखा है। ये देख लो, ये कहीं नहीं मिलेगा। और ये रजत भैया पहली बार मेरे चैनल पे, भाई हमेशा आएंगे आपके चैनल पे। भैया आपकी तो मेहर से छोटे भाई ने चैनल बनाया, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा। आप मुझे ये बताओ हमारा आज रह क्या गया, किस वजह से हम, मैंने अपनी ऑडियंस से भी यही कहा, हम कोई ना कोई चीज़ है जो हम छोड़ रहे हैं जिस वजह से हम रह रहे हैं। अब ऐसा क्या है वो तो हमें जल्दी पता लग जाएगा, कल हमारी लाइट हो जाएगी ना। हाँ कल लाइट हो जाएगी। और ऐसा इशू आ रहा है कि हम उसमें हाई या लो को एक साथ नहीं चला पा रहे हैं, अगर जब एक साथ चल रही है तो लाइट ऑफ नहीं हो रही है, तो कुछ वायरिंग का या कुछ रिलेज का इशू आ रहा है जी भैया। बट कल हम इसको फुल एंड फाइनल कर ही देंगे एक बार में। तो भैया उसके बाद लाइट कस्टम कब करके दोगे ये बताओ। उसके बाद लाइट आपकी भाई कस्टम ही करेंगे, और क्या करना है उसके भाई, एक बार ये वायरिंग का इशू खत्म हो जाए फिर आपकी लाइट कस्टम करेंगे, उसमें डायवी लाइट डालेंगे। चलो ठीक है। और DRL में भी एक हम अलग सा फंक्शन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल भी हमने DRL में एक अलग चीज़ की है, जो फॉलो मी हेडलैम्प्स होते हैं उसी टाइप में हमारी फॉलो मी DRL रहते हैं। गाड़ी ऑफ होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक वो ऑन रहते हैं, जिससे गाड़ी की एक इनहेंस लुक जो होती है ना, वो लुक जो है इनहेंस हो जाती है जी। तो गाइज मिलते हैं आपको आगे रोड। सो गाइज ये आप लोग मेरी लाइट का रिस्पांस चेक कर सकते हो, बाहर यही चल रही है अभी ये वाली बीम, और ये है फॉग लैंप, ये सिर्फ फॉग लैंप है, और ये लाइट कुछ ऐसी चल रही है अभी फ़िलहाल मेरी लाइट की। और हम निकल रहे हैं घर के लिए, ऐसे मैंने सोचा था अगर टाइमली फ्री हो जाता। यहाँ पे मेरी मासी का घर है,
तो सोचा था उनसे मिलता हुआ जाता पलोड़ा वाली साइड, बट क्या, और अभी आप देख सकते हो कि कितना ही टाइम हो चुका है, तो तभी दैट्स वाई आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई होम। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे रास्ते में, देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर हम टाइमली फ्री हो गए तो सरप्राइज़ ये था कि मैं अपनी लाइट कस्टम करवाने वाला हूँ, जब ये हाई लो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके बाद जल्द से जल्द कुछ आपको बढ़िया सा करके दिखाएंगे इस पर। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। पहले तो सॉरी गाइज, मुझे नहीं पता आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं या नहीं। चलो छोड़ो, मैं अपनी साइड से कैमरा ही हटा लेता हूँ। मैंने पूरे रास्ते अभी व्लॉग नहीं किया वापसी पे, एंड अब घर के पास ही पहुँचाऊँ, पहुँचने वाला हूँ लगभग घर पे। एक्चुअली जितना ट्रैफिक उस रोड पे होता है ना, मुझे दिखा ट्रैफिक नहीं है तो मैं शूटो शूट निकलता गया। मेरे यार दोस्त या कुछ मेरी ऑडियंस है जो इसका मतलब समझ आएगी, शूटो शूट मतलब कि झट से निकल गया मैं, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी मैं निकलने वाला बना और अब घर पे पहुंचने वाला हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने रेडिसन होटल के पास, नरवाल चौक से जो पहले वाला चौक आता वहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट लेते हैं बावे की तरफ बोलता, मगर इतने समझदार लोग हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने लेफ्ट के लिए जगह ही नहीं छोड़ी होती है। मुझे लेफ्ट के लिए भी आधा पौना घंटा रुकना पड़ता है, उस बीच किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए कोई क्या करे यार। और आए देखो हाईवे पर कितनी ट्रैफिक है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ के NH 44 पकड़ के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो घर पे पहुँच के इस व्लॉग को एंड करते हैं फटाफट से और एडिट करके वीडियो डालते हैं। सो गाइज, आज अपना यही हो सका छोटा सा काम। पहले यहाँ पे थी येलो लाइट, अब यहाँ पे येलो लाइट की जगह हमने देख सकते हो LED इंस्टॉल कर दी है। तो देख सकते हो आप कार गाइज, ये छोटे छोटे मॉड से ही कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और यही आज एक छोटा सा काम करवाया था जो मैंने अभी आपको दिखाया, कि मैंने वहाँ पे जो पीछे नंबर प्लेट पे जो बल्ब आता है ना, जो आपके नंबर प्लेट पे लाइट देता है रात में अंधेरे में, तो मैंने उस बल्ब को निकाल के, हेलोजन बल्ब था वहाँ पे मैंने LED लगाई। काम मेरा आज इतना सही हो पाया, बट हुआ कुछ ना कुछ तो। और पहले मेरे जो लाइट की थी वो चल रही थी लो बीम, तो लो बीम हमारा जो डिप्पर होता है वो होता है हाई बीम का, तो अब लो की जगह हाई चल रही है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है यार लाइट में, हाई चलती है लो नहीं चलती, लो चलती है तो हाई नहीं चलती। होपफुली कल भैया ख़त्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अगर आप लोग अपना कुछ आइडिया देना चाहते हैं तो वो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला आपके लिए, आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में वो फ्रीली होकर मेरे को आइडिया दे दो कि ऐसा करो वैसा नहीं। और अगर वीडियो से एंटरटेन हुए हो और यहाँ तक देख ही लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। कल मिलते हैं, बाय।